स्वराज संकल्प यात्रा के दौरान घोषणा पत्र में ये बात कही गई थी कि किसान भाइयों को अगर समर्थन मूल्य के तहत उनको अपना भाव नहीं मिलता है तो बोनस घोषित किया जाएगा और उनके खाते में डायरेक्ट पैसे चले जाएंगे। हमने ये देखा कि सरकार कितनी ज़्यादा जो है वो किसानों की हितैषी है कि अभी तक अभिभाषण में हमने कहीं नहीं देखा कि उनकी 5 प्राथमिकताओं में किसान है, उसमें किसान नहीं है और अभी तक बोनस की भी बात नहीं की गई है। तो इसका हम उनसे जवाब मांगना चाहते हैं कि क्या वो सिर्फ घोषणा किसानों को लुभाने के लिए, गुमराह करने के लिए की गई थी या सच में ये सरकार किसान हितैषी।